हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी दोस्तों हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था जे ओ ए आई टी का पोस्ट कोड छः सौ छब्बीस तेईस दिसंबर दो हज़ार अठारह को उसका जो हम है सोल्यूशन देखेंगे आज की इस वीडियो में तो आज हम जो है पहले एटी फाइव क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट एटी फाइव क्वेश्चन हम वीडियो की पार्ट टू में करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो बात करें क्वेश्चन पेपर की तो इसमें जो है वन सेवेंटी क्वेश्चन थे एटी फाइव मार्क्स के टू तो आवर्स का जो है टाइम था पहला क्वेश्चन रहता है द प्राइमरी गोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज टू टर्न डाटा इंटू तो कंप्यूटर सिस्टम का जो प्राइमरी गोल रहता है वो रहता है डाटा को टर्न करना इंटू इंफॉर्मेशन ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट तो बात करें मल्टी प्रोग्रामिंग की तो ये स्टार्ट हुआ था थर्ड जनरेशन में ऑप्शन सी बात करें कंप्यूटर जनरेशन की तो अभी जो है फिफ्थ जनरेशन है कंप्यूटर की टू थाउजेंड टेन के बाद नेक्स्ट है विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स तो इन कंप्यूटर में जो है सबसे छोटा कौन सा है नोटबुक नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली विच बटन ऑफ द माउस इज यूज फॉर ओके तो जो माउस होता है उसका जो है कौन सा बटन ओके okay के लिए यूज होता है तो मोस्ट में दो बटन होते हैं लेफ्ट और राइट और जो लेफ़्ट होता है वो होता है ओके के लिए यूज तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफ्रेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम्स तो कौन सा डिवाइस है जो डाटा और प्रोग्राम के बीच डिफेंस को अंडरस्टैंड कर सकता है माइक्रो प्रोसेसर ऑप्शन डी नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट तो कौन सा जो है इनमें से सिस्टम यूनिट का पार्ट है सीपी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्ट्स वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर इज तो एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो एक कंप्यूटर को दूसरे से कनेक्ट करता है उसे जो हम क्या कहते हैं बस नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस इज अप्रोप्रिएट फॉर कमर्शियल पर्पज तो कमर्शियल पर्पज़ के लिए कौन सी कंप्यूटर जो लैंग्वेज है उपयुक्त है तो कौन सी है कोबोल ऑप्शन बी नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज़ कॉल्ड तो जो कंप्यूटर मेमोरी होती है उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे कहते हैं बिट आठ बिट जो है मिलके एक बाइट बनाते हैं तो नेक्स्ट है अ कंपाइलर ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम रिटर्न इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इन टू इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में ऑप्शन ए नेक्स्ट है इन एम एस द कमांड दैट इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन इज़ तो बात करें एम एस डॉस में तो जो है कौन सी कमांड यूज़ की जाती है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए कौन सी की जाती है ऑप्शन ए सी आई एस कमांड व्हेन मोर कंप्यूटर आर कनेक्टेड एट वन प्लेस इट इज़ कॉल्ड जब एक स्थान पर अधिक कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं तो उसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क लैन ऑप्शन ए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन टिपिकल नेटवर्क इज़ तो टिपिकल नेटवर्क में जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर रहता है उसे जो है क्या कहते हैं नेटवर्क सर्वर ऑप्शन सी नेक्स्ट है एक्सपर्ट सिस्टम इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो एक्सपर्ट सिस्टम की बात करें तो किसका है ये फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का ऑप्शन डी द फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डाटा टू एंड फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय तो फ्लो ऑफ टाइमिंग ऑफ डाटा जो रहता है माइक्रो प्रोसेस से वो जो है किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है किया जाता है ऑप्शन ए कंट्रोल पिंस के द्वारा नेक्स्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस बात करें इनपुट डिवाइस की तो स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस रहता है ऑप्शन बी विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन तो बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन जो है कौन कौन सा डिवाइस प्रोड्यूस करता है प्लॉटर नेक्स्ट है एक्सपर्ट सिस्टम इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ कंप्यूटर बात करें एक्सपर्ट सिस्टम की तो ये फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स

तो कौन सा डिवाइस जो है प्रोड्यूस करता है बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन प्लॉटर विच पोर्ट कैन आल्सो यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स टू ट्रांसमिट फाइल्स तो कौन सा पोर्ट जो है यूज किया जा सकता है दो कंप्यूटर को ट्रांसमिट फाइल करने के लिए तो कौन सा जाता सही आंसर इसका फाइल वायर पोर्ट ऑप्शन डी वट इज द मेन फोल्डर ऑन स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड तो स्टोरेज डिवाइस में जो मेन फोल्डर रहता है उसे जो कहते हैं रूट डायरेक्टरी विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम तो निम्न में जो, जो है किस मेमोरी का जो एक्सेस टाइम सबसे कम रहता है सबसे कम एक्सेस टाइम रहता है कैश मेमोरी का ऑप्शन सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी नंबर बाइनरी नंबर की बात करें तो बाइनरी नंबर्स रहते हैं जीरो वन जीरो वन तो ऑप्शन बी का बाइनरी नंबर है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज टू स्टोर तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन किसे स्टोर करने के लिए यूज की जाती है रियल इंटीजर्स को ऑप्शन बी नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड टू विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर बात करें सॉफ्टवेयर की उसको क्लासीफाई किया जाता है तीन टाइप्स में सिस्टम सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो ऑल ऑफ दीज सही आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेजेज बात करें लो लेवल लैंग्वेज की तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जो है दोनों लो लेवल लैंग्वेज में आती है तो बोथ ए एंड बी सही आंसर है मिडिल लेवल लैंग्वेज में आती है सी लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में आती है कोबोल फोट्रेन पास्कल नेक्स्ट है अ ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज तो ट्रांसलेटर की बात करें तो ये एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है प्रोप्रायटरी सॉफ्टवेयर इज ऑन एक्सक्लूसिवली बाई प्रोप्रायटरी सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसका जो स्वामित्व तो होता है सिंगल कंपनी के पास होता है ऑप्शन ए नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग अ माइक्रो माइक्रो कंप्यूटर विद इस ऑपरेटिंग सिस्टम एक माइक्रो कंप्यूटर को उसके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बूटिंग द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट इज कॉल्ड तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोग्राम होता है जो प्रोसेसर मैनेजमेंट करता है तो वो रहता है ट्रैफिक कंट्रोलर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है कौन सा जो है उदाहरण नहीं रहता है कंप्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम विच टाइप ऑफ कमांड्स इन एम एसडोस नीज एडिशनल फाइल्स फॉर दियर एग्जीक्यूशन तो किस तरह के कमांड जो है एम एसडोस में जरूरत होती है एडिशनल फाइल्स एग्जीक्यूशन के लिए तो इसका सही आंसर आएगा एक्सटर्नल कमांड्स इन एम एस वर्ड चेंजिंग द अपीरेंस ऑफ अर डॉक्यूमेंटेशन इज़ कॉल्ड एम एस वर्ड में अगर अपीरेंस चेंज करनी है डॉक्यूमेंट की तो उसे कहा जाता है फॉर्मेटिंग ऑप्शन सी विच कमांड इज़ यूज इन एम एस एक्सल टू कैलकुलेट द टोटल क्रैक्टर्स इन अ सेल तो टोटल करैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं सेल में एमएस एक्सल में जो है कौन सी कमांड यूज़ की जाती है ऑप्शन ए लेन In MS Excel with. तो MS Excel में जो चार्स होते हैं किसके द्वारा जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं B, कि डाटा पॉइंट्स और डाटा सीरीज के साथ नेक्स्ट है विच पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ slide? तो स्लाइड में मोशन अप्लाई करनी हो तो पावर पॉइंट का कौन सा फीचर यूज करेंगे एनिमेशन स्कीम ऑप्शन डी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डाटा बेस यूजर तो डाटा बेस यूजर का टाइप जो है कौन सा रहता है इनमें इन से ऑल ऑफ दीज यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर और एंड यूजर जो है सभी टाइप है डाटा बेस यूजर के नेक्स्ट है विच ऑफ टाइप ऑफ डाटा मॉडल तो इनमें से जो है कौन सा डाटा मॉडल का टाइप नहीं रहता है तो कौन सा नहीं रहता है मॉडल माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक्सेस इज एन ऑफ तो जो है किसका एग्जाम्पल रहता है तो इनमें से जो है किसी का एग्जाम्पल भी नहीं रहता है कंप्यूटर और डिवाइस का ऑफ दीज आई आंसर तो बात करिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की तो ये डी का एग्जाम्पल रहता है इन एम एस एक्सेस टेक्स्ट डाटा टाइप में कंटेन मैक्सिमम करेक्टर ऑफ एम एक्सेस की बात करें तो टेक्स्ट डाटा में जो है अधिकतम जो है कितने अक्षर हो सकते हैं टू फिफ्टी फाइव करेक्टर हो सकते हैं ऑप्शन ए अ सेंट्रल कंप्यूटर सराउंडेड बाय वन और मोर सैटेलाइट कंप्यूटर इज कॉल्ड तो बात करें एक सेंट्रल कंप्यूटर जिसको कि सराउंड किया जाता है एक या अधिक सैटेलाइट कंप्यूटर के द्वारा तो उसे कहते हैं स्टार नेटवर्क मशीन electronic mail टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम एंड ट्रांसफर मैसेज बिटवीन करें मशीन की जो कनेक्ट करती है टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम को और ट्रांसफर करती है मैसेज बिटवीन देम तो उसे जो है क्या कहते हैं उसे कहते हैं मेल गेटवे नेक्स्ट है इन ओ एस आई मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड द पाथ ऑफ डाटा ओएस आई मॉडल में जो है कौन सी लेयर डिसाइड करती है डाटा का जो पाथ रहता है तो कौन सी लेयर नेटवर्क ओ एस आई की बात करें इसकी फुल फॉर्म रहती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इंटरकोनेक्शन वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ तो वेबसाइट जो है किसका कलेक्शन रहता है नन ऑफ दीज इनमें से किसी का भी कलेक्शन नहीं रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ई मेल एड्रेस तो न्यून मैसेज जो है ई मेल एड्रेस का पार्ट कौन सा जो है नहीं रहता है ई मेल एड्रेस का पार्ट कौन नहीं रहता है प्रोटोकॉल ऑप्शन सी ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू राइट वेब पेजेस तो वेब पेजेस को लिखने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि एस टी एम एल का नेक्स्ट है सॉफ्टवेयरवेयर प्रोग्राम्स दैट क्लोज पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रिजेज इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर नोन एज दे आर नोन एज सिक्योरिटी पैचेज वायरस दैट कैन लीड एंटी वायरस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड तो बात करें वायरस की जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डिलीट करता है उसे कहते हैं रेट्रो वायरस एन इज आल्सो नोन एज एन को जो है इन्फॉर्मेशन हाइडिंग भी कहा जाता है नेक्स्ट आता है जीके पोर्शन पहला क्वेश्चन रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज द मोस्ट इंप्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम तो निम्न में से किस स्थल पर सबसे प्रभावशाली जल निकास व्यवस्था पाई गई है मोहनजोदारो जो हड़प्पा साइट रहती है ऑप्शन ए द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ अशोकाज रीजन रिकॉर्डेड इन हिज इंस्क्रिप्शन वाज तो अशोक के शासन में प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उसके शिलालेखों में अंकित है वह थी कलिंगा वॉर प्लीनी वाज ऑफ प्लीनी की बात करें तो प्लीनी थे रोमन ऑथर राइटर ऑप्शन ए इन सेंट्रल इंडिया द कुशाण रूल वाज फॉलोड इमिजिएटली बाई मध्य भारत में कुशाण रूलर को जो है किसने फॉलो किया था मुरुंदाज ने ऑप्शन ए विच ऑफ़ विच इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट रेजिडेंशियल कम टीचिंग इंस्टीट्यूशन तो बात करें कौन सा जो है सबसे पुराना निवास सह शैक्षणिक संस्थान था नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है तो उसकी स्थापना की थी कुमार गुप्ता ने गुप्ता रूरर ने हु फाउंडेड द पाला एम्पायर पाल समाजों की स, का स, जो संस्थापक था वो था गोपाला ऑप्शन डी हु वॉज द कोर्ट पॉइंट ऑफ किंग महीपाला ऑफ कन्नौज तो कन्नौज के किंग महिपाला का जो कोर्ट पॉइंट थे वो थे राजा शेखरा ऑप्शन डी हु कॉन्स्टिट्यूटेड अ काउंसिल नोन एज उमर ए चहलगानी उमर ए चहलगानी नामक परिषद की जो रचना की थी वो की थी किसने की थी इल्तुत मिश ने ऑप्शन बी अलबरूनी केम टू इंडिया इन बात करें अल की तो वे जो है भारत कब आए थे इलेवंथ सेंचुरी एडी में ऑप्शन सी द चोला एम्पायर कैम टू बी एस्टेंग्लिश्ड फाइनली विद द इन्वेजन ऑफ तो किसके आक्रमण के, के कारण चोल साम्राज्य का अंतिम रूप में पतन शुरू हुआ पतन हुआ था अलादीन खिलजी के इन्वेजन के कारण ऑप्शन ए वट लेट टू द मराठा एम्पायर बिकमिंग अ कंफेडरेश्स तो किसके कारण जो है मराठा साम्राज्य एक सामंती मुखियाओं का राजस्थ संभव बना तो so, किसके कारण द राइज ऑफ पेशवाज यानी कि पेशवाओं के उदय के कारण हु फर्स्ट सेकुलर रूलर ऑफ द अफगान क्लेन तो बात करिए अफगान वंश का जो प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक था वो कौन था शेर अफगान ऑप्शन सी द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वॉज एबलिश बाई बात करें ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की तो ये बंगाल में शुरू हुई थी किसने स्टार्ट की थी रॉबर्ट क्लाइव ने और इसे जो है एबलिश किया था किसने किया था वॉरन हेस्टिंग ने सेवेंटी सेवेंटी टू में इसको एब्लिश किया था और सेवनटीन सिक्सटी फाइव में इसको स्टार्ट किया था विच मिलिटेंट नेशनलिस्ट द रेंड तो बात करें किस राष्ट्रवादी सिपाही ने रेंड का कत्ल किया था तो किसने कत्ल किया था दामोदर चापीकर ने ऑप्शन ए विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वॉज नॉट इन्वॉल्व विद द एमरजेंस ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स में से कौन सा नेता श्रमिक संघ आंदोलनों के उद्भव में शामिल नहीं था मोहम्मद अली जिन्ना ओरिजिन टू फॉल्टिंग की बात करें तो किसके आ, इसका जो ओरिजिन रहता है वो रहता है टेंशनल फोर्सेस ऑप्शन ए द ओरिजिन ऑफ अर्थ डेट्स बैक टू बात करें पृथ्वी का जो ओरिजिन माना जाता है लगभग फोर पॉइंट सिक्स बिलियन ईयर्स एगो मॉनसून विंड्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ तो बात करें मॉनसून विंड्स की तो ये किस कैटेगरी में आती है यह आती है पीरोडिक विंड कैटेगरी में बात करें प्लेनेटरी विंड्स तो इसमें आती है ट्रेड विंड्स वेस्ट लोकल विंड्स में जो है डिफरेंट लोकल विंड्स रहती है जैसे कि चिनूक लू ब्लिजार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन तो न्यू में से जो है प्रेसिपिटेशन की जो है कौन सी फॉर्म नहीं रहती है ड्यू जो है फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन नहीं है द पोजिशन ऑफ द सन द मून एंड द अर्थ इन द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड सूर्य चंद्र तथा पृथ्वी की एक सीधी रेखा में स्थिति कहलाती है ऑप्शन ए विच ऑफ द फॉलमिंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट न्यून में से जो है कौन सा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का उदाहरण नहीं रहता है नन ऑफ डिजीज का सही आंसर आएगा नेक्स्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्रीज़ कंज्यूम मोर फिश देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड तो निम्न में से कौन सा देश अन्य देशों के मुकाबले अधिक मछली का उपभोग करता है तो कौन करता है जापान मिक्स्ड कल्टीवेशन इज फाउंड थ्रू ऑट तो मिक्स कल्टीवेशन की बात करें तो ये पूरे यूरोप में की जाती है तो ऑप्शन भी इसका सही आंसर है नेक्स्ट है चेवियोट हिल्स आर सिचुएटेड इन चेवियोट पहाड़ियाँ कहाँ पर है स्कॉटलैंड में ऑप्शन डी द शान मासिप प्लेटू इज सिचुएटेड इन तो शैन मासिप पठार की बात करें तो ये कहाँ पर है म्यांमार में द मला मलीज एंड पालकोंडा हिल्स आर सिचुएटेड इन मलामलाई और पालकोंडा पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर है ईस्टर्न घाट्स में विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉर्म और रिफ्ट वैली तो कौन सी नदी जो है रिफ्ट वैली नहीं बनाती है गोदावरी नदी नर्मदा तापी जो है रिफ्ट वैलीज बनाती है विंटर रेन रेनफॉल इन तमिलनाडु इज ड्यू टू तो जो तमिलनाडु में विंटर रेनफॉल होती है तो किसके कारण होती है रिट्रेटिंग मानसून के कारण रेड सॉइल इज़ पुअर इन तो बात करें रेड सॉयल की तो उसमें जो है किसकी मात्रा कम रहती है ऑल ऑफ दीज यानी कि फासप नाइट्रोजन और लाइम सभी कमी रहती है द स्टेट ऑफ इंडिया विद द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया अंडर फ्रस्ट कवर इज़ तो बात करें इंडिया का जो स्टेट जिस जो है जिसमें जो है सबसे ज्यादा परसेंटेज रहती है लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट तो कौन सा है अरुणाचल प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्रोजेक्ट्स इज बीग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर भागीरथी तो कौन सी शक्ति परियोजना भागीरथी नदी पर निर्माणाधीन है तो कौन सी है टीरी डैम ऑप्शन बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया तो भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है मथुरा फॉरेस्ट ऑफ कर्नाटका प्लेटू आर फेमस फॉर तो कर्नाटका के प्लेटू जो है किसके लिए प्रसिद्ध है सैंडल के लिए ऑप्शन बी तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों धन्यवाद